डीएम अल्मोड़ा ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान डीएम अल्मोड़ा विनीत तोमर ने ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने और अन्य व्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त की है। डीएम अल्मोड़ा ने ऑपरेशन थिएटर में सीलन को दूर करने के लिए ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं। वहीं ब्लड बैंक में फैकल्टी नहीं होने पर डीएम ने कहा कि जल्द ही अनुभवी लोगों को तैनात किया जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये उम्मीद है कि अगले हफ्ते से ऑपरेशन थिएटर फंक्शन हो जाएगा। अभी जो इन्होंने कमियां बताई हैं और जो हमने देखी भी हैं, जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पर टैंक और एचयू यूनिट रखती है, वहाँ पर कोई ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी बढ़ता है तो निकल नहीं पाता, जिस वजह से बिल्डिंग में सीलन आने की संभावना रहती है। वो हमने कहा है कि आज ही उसको ड्रेन की व्यवस्था कर देंगे। दूसरा, सेंट्रल एसी का एक इशू आ रहा था, तो सेंट्रल एसी अब से चालू हो गया है और ये हमेशा ही अब चालू रहेगा। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक महीने चलाएंगे और उसके बाद जो हमारा हॉस्पिटल के स्टाफ रहेगा उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इस बीच ही अपनी ट्रेनिंग भी प्राप्त कर लेंगे। एक वॉशिंग एरिया का इशू है, ये भी संभावना है कि अगले 3-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। डायरेक्शंस दिए गए हैं कि सैटरडे तक इसको कम्प्लीट कर लें। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही काम कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद ये 3-4 दिन कल्चर करने के बाद नेक्स्ट वीक से ऑपरेशन थिएटर को स्टार्ट कर पाएंगे। सर, ब्लड बैंक अप्लाई है।